गुड मॉर्निंग एवरीवन एवरी विद कंटिन्यूंग नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब न्यू पार्टनर को आप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में लेके आ रहे हो मतलब हो रहा है पार्टनर तो की फ्यूचर में वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिसाइड की जाती है ये चीज आप एग्री करते हैं जब आप न्यू पार्टनर को लेकर आ रहे है तो उस सिचुएशन में आपको जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको एडजस्ट करना पड़ता है और ये जो बेसिस है एडजस्टमेंट का वो दो तरीके से हो सकता है या तो आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड कर रहे हैं या नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो डिसाइड हो रही है तो जो एडजस्टमेंट है दो तरीके से हो सकती है तो पहला केस हम देखते हैं जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को आप बेस मान रहे हैं इस मेथड के अंदर जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो आप फाइंड आउट करते हैं बाय मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कैपिटल वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट हम दे देते हैं जो भी इससे पहले हमने एडजस्टमेंट की कि रिगार्डिंग जो गुडविल पार्टनर लेके आ रहा है या फिर जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है या फिर जो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट आपने करना है या फिर रिवलुएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी एडजस्टमेंट है उन सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो भी हमारा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा होगा वो हमारी कैपिटल होगी ओल्ड पार्टनर्स की तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल को हम ऐड करेंगे इसे हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं अगर कैपिटल ए और बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली और उन्होंने एडमिट किया है सी को वन फिफ्थ शेयर के लिए फॉर्म में और जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है सी की हमें कैलकुलेट करनी है तो उस केस में सबसे पहले अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपने सी की कैपिटल प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करनी है मतलब कि ए और बी की कैपिटल के बेसिस पर सी की कैपिटल कैलकुलेट होगी तो जो टोटल कैपिटल हुई ए और बी की सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी अभी एडजस्टमेंट्स हमने देखी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एंड प्रॉफिट्स की गुडविल की एवरीथिंग सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल है उनकी वो है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो टोटल हो गया टू लैख सेवेंटी थाउजेंड अब ये टू लैख सेवेंटी थाउजेंड जो कैपिटल है वो कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए है जो टोटल प्रॉफिट है फॉर्म का लेट इट बी वन सी को आपने एडमिट किया वन फिफ्थ के लिए तो वन माइनस वन फिफ्थ फाइव इज इक्वल टू फोर बाय फाइव तो आपने फोर बाय फाइव प्रॉफिट के लिए जो ए और बी की कैपिटल है फॉर्म में वो है टू लैख सेवेंटी थाउजेंड तो जो कैपिटल अगर फोर बाय फाइव के लिए है टू लैख सेवेंटी थाउजेंड तो टोटल कैपिटल अगर हमें फॉर्म की निकालनी है तो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड को हम जितने शेयर के लिए वो कैपिटल है उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरी फॉर्म की कैपिटल मिल जाएगी तो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड इन फाइव बाय फोर तो 3, 37, आपकी टोटल टोटल की की कैपिटल कैपिटल हो गई। अब टोटल फर्म की आपको पता है तो सी की कैपिटल आप उसके शेयर से निकाल सकते हो तो थ्री लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू वन बाई फाइव तो सी की कैपिटल हो गई सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो जो दो चीजें यहां पर हम देख रहे हैं दैट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल फर्म की कैपिटल हम कैसे निकालते हैं फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं हम जो भी टोटल कैपिटल आप ले रहे हो A और बी की उसको जो उनका शेयर है कम्बाइंड जो ए प्लस बी का जो कंबाइंड शेयर है प्रॉफिट का उसके रिवर्स से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कैपिटल फॉर्म की मिल जाएगी और उसके बाद जो भी नया पार्टनर है जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी की जो कैपिटल है जो नए पार्टनर की कैपिटल वो आपको मिल जाएगी इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ थ्रीज टू वन Their balance sheet on 31st March 2012 was as follows Sundry creditors, capital accounts, cash in hand, Sundry debtors, stock, furniture and fixtures, investment, plant and machinery. They agreed to admit Z as a partner on the following terms Plant and machinery is to be depreciated at the rate of ten per cent. Stock is to be reduced by five per cent. Furniture and fixtures are to be taken at ninety per cent of their value.

Z की जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट लेके आएगा अपने शेयर इन प्रॉफिट जो भी उसका है उसके अकॉर्डिंग तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि हमें ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है तो सबसे पहले हम रिवेल्युएशन अकाउंट बनाएंगे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले जो हमें गिवन है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी मशीनरीज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय टेन परसेंट तो वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट डेप्रिशिएट हुआ तो डेबिट साइड पे हमने रिवेल्यूएशन के लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट जो चीज गिवन है दैट इज स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय फाइव स्टॉक है हमारा वन लैख का वन लैख का फाइव आया आपका फाइव थाउजेंड तो डेबिट साइड पे टू स्टॉक अकाउंट नेक्स्ट जो हमें वैल्यू उनकी वैल्यू जो है वो नाइन्टी परसेंट रह गई है तो जो फर्नीचर एंड फिक्सर्स है उसकी वैल्यू है फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड का जब आप नाइन्टी परसेंट निकालेंगे तो आपका आएगा फोर जीरो फाइव डबल जीरो उतनी उनकी वैल्यू रह गई है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस फोर जीरो फाइव डबल जीरो तो आपका जो अमाउंट आएगा दैट इज फोर्टी फाइव हंड्रेड उतने से वैल्यू रिड्यूस हुई है तो टू फर्नीचर एंड डेबिट साइड पे फाइव परसेंट प्रोविजन आपने बनाया तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुलर्टी वन हंड्रेड का देन नेक्स्ट है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड और जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है दैट इज सेवेंटी एट थाउजेंड तो इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में तो क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट सेवेंटी वन हंड्रेड इसके अलावा नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है नेक्स्ट कैपिटल से रिगार्डिंग है तो रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने बैलेंस किया लॉस आया और लॉस ट्रांसफर हो गया हमारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड कैपिटल शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने इस रिवेल्युएशन के लॉस को ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड पे टू रिवेलुएशन अकाउंट एक्स और वाई के अकाउंट में देन हम बैलेंस देख, शीट देखते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिख दिया उनकी ओपनिंग कैपिटल टू लैख फिफ्टी थाउजेंड और वन लैख ,00 की देन कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस नहीं है देन आपका Z विल ब्रिंग ट्वेंटी फोर थाउजेंड एज प्रीमियम फॉर गुडविल गुडविल के लिए जो Z है वो लेके आया है ट्वेंटी फोर थाउजेंड और यहाँ पे जो Z का शेयर दिया हुआ है वन फिफ्थ शेयर इन प्रॉफिट दिया हुआ है और X एंड Y की जो ओल्ड रेशो है दैट इज थ्री इज टू वन तो मतलब ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइस रेशो होगी तो जो गुडविल है प्रीमियम और गुडविल अकाउंट जो है ट्वेंटी फोर थाउजेंड उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, तो 2, 2 की रेशो में आपने कर दिया इसको। तो की आपने उसके बाद हमें बैलेंस मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस जो एक्स और वाई की कैपिटल अकाउंट है इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे यहाँ एक बार हम अकाउंट अकाउंट को हमने स बी डी ब्रॉड डाउन हमने उसे किया टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड बैलेंस एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वन लैख वन थाउजेंड बैलेंस वाई के कैपिटल अकाउंट में अब इन दोनों का टोटल हम करेंगे मतलब जो X और y का capital है उसको हम total करेंगे तो टोटल करके जो हमारा कैपिटल बनता है थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड और ये कितने शेयर के लिए है हमने z को एडमिट किया है वन फिफ शेयर के लिए तो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी वन वन में से आपने वन बाय फाइव माइनस किया तो आपका आया फोर बाय फाइव अब ये जो थ्री लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड कैपिटल है वो है फोर बाय फाइव शेयर के लिए तो टोटल फर्म की कितनी कैपिटल होगी थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड इंटू जो प्रोफिट शेयरिंग रेशियो है कम्बाइंड उसके रिवर्स से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड इंटू फाइव बाय फोर वो टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की उसमें हमें z का शेयर निकालना है तो इंटू वन बाय फाइव तो z की कैपिटल आ गई एटी एट थाउजेंड 500, तो Z की कैपिटल अकाउंट में हमने इस तरीके से शो होगा बैलेंस शीट एज यूजुअल जैसे हम पहले बनाते आए हैं जिन चीजों में चेंज नहीं हुआ है उन्हें एज इट इज हमने लिख दिया जैसे सनराइज राइटर्स कैपिटल अकाउंट जो क्लोजिंग बैलेंसेज शो कर रहे हैं पार्टनर्स की वो हम शो कर देंगे कैश इन हैंड सनराइज एप्टर्स सनराइज एप्टर्स में से हमने प्रोविजन लेस किया है जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन बनाया था और बाकी भी जो भी चीजें हैं उनमें उसी तरीके से चेंजेस करके हम रिवाइज्ड वैल्यू पर शो कर देंगे स्टॉक फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स इन्वेस्टमेंट्स प्लांट एंड मशीनरी और दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी तो ये था क्वेश्चन हमारा जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड कर रहे हैं दूसरा जो हमारा केस है जब न्यू पार्टनर की कैपिटल को हमने बेस लेकर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच